इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस समूह के लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं या फिर वो एक समूह क्यों है, उनकी असहमति पैदा क्यों होती है, तर्क वितर्क क्यों होते हैं और फिर विभाजन हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये परिवारों में, कार्यस्थल पर, सामुदायिक समूहों में होता है और हाँ, ये चर्चों में भी होता है। इस तथ्य के बावजूद कि ईश्वर चाहता है कि उसके लोगों के बीच में एकता हो, यही कारण है कि उस समय में उसने प्रेरित पौलुस से ये शब्द लिखवाए थे। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 10 से 13 वचन में, भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक दूसरे से सहमत हो। आपको अलग अलग समूहों में नहीं बांटना जाना चाहिए। एक ही तरह की सोच और एक ही उद्देश्य के साथ फिर से पूरी तरह से एक हो जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, परिवार के कुछ सदस्यों ने मुझे बताया है कि आपके बीच बहस होती है। मेरा मतलब यह है कि आप में से मैं कहता हूं कि मैं पौलुस का अनुसरण करता हूं और कोई अन्य कहता है मैं अपोलुस का अनुसरण करता हूं। दूसरा कहता है कि मैं पतरस का अनुसरण करता हूं और कोई अन्य कहता है कि मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। यीशु मसीह को विभिन्न समूहों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या पौलुस प्रेरित तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तो हम ईश्वर के अपने लोग एकजुट होने की उसकी उत्कल इच्छा पर इतनी अच्छी तरह कार्यान्वित क्यों नहीं होते एक होने के लिए? खैर, वैश्विक ईसाई धर्म अध्ययन केंद्र के अनुसार आज दुनिया में 45,000 से अधिक ईसाई संप्रदाय मौजूद हैं। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? 45,000 डिनोमिनेशंस। इसलिए भाइयों और बहनों, जहां तक आप पर निर्भर है, मैं आप सभी से एक दूसरे से सहमत होने का अनुरोध करता हूं। आपको अलग अलग समूहों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। एक ही तरह की सोच और एक ही उद्देश्य के साथ फिर से पूरी तरह से एक हो जाए, क्योंकि ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके।